हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस टेक्नोफन। आज हम बात करेंगे कुछ एडवांस फीचर्स की, जिसकी हेल्प से हम इमेजेस को अपनी स्लाइड्स में एंटर करेंगे और हम देखेंगे कि जो स्लाइड्स हम बनाते हैं उनका स्लाइड शो कैसे करना है। यस, द एक्चुअल ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ योर स्लाइड प्रेजेंटेशन, जब आपकी स्लाइड्स वन बाय वन एक प्रेजेंटेड वे में ऑडियंस के सामने आती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, देयर इज अ प्रेजेंटेशन इन विच वी हैव टोटल 6 नंबर ऑफ स्लाइड्स। These slides are based on the environmental pollution. I have taken a randomly occurrence topic of nowadays. So, as you can see, 6 slides are there. First one is environmental pollution with a heading. Second one is types of pollution, then air pollution, and after that this one. So, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है कि आप देख सकते हैं एटमॉस्फेयर इज द लाइफ ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, ये एक हेडिंग यहाँ लिखी है, उसके बारे में एक समरी लिखी हुई है। आफ्टर दैट अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो इट्स अ इमेज। यस, टुडे वी विल लर्न हाउ टू इंसर्ट द इमेजेस इन योर स्लाइड्स। सेम वे में अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो ऑल्सो देयर इज अ इमेज। तो टेक्स्ट एंड इमेज का जो कॉम्बिनेशन होता है आपकी स्लाइड में वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बढ़िया लुक देता है आपकी स्लाइड्स को। नेक्स्ट वन, 4 इमेजेस को देखिए, 4 डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस हैं जिसे हमने यहाँ पर सेट किया है। तो हम अभी इमेजेस के साथ काम करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे आप इसको सेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स कम टू फर्स्ट स्लाइड, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। सो सबसे पहले हम इसमें चाहते हैं कि हम यहाँ एनवायरमेंटल, ये तो सिर्फ एक हेडिंग है, तो अगर आप चाहते हैं इस हेडिंग के साथ कुछ और लिखना तो यू कैन एड ऑन। नेक्स्ट कम टू द सेकेंड स्लाइड, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। यहाँ पर लेट्स सी कि कैसे हम एक इमेज को एंटर कर सकते हैं। तो इमेज को एंटर करने के लिए मेथड जो होता है, आप क्या कर सकते हैं कि आप गैलरी में इंसर्ट में जाइए एंड क्लिक ऑन इमेज। आप इंसर्ट ऑप्शन में इमेज पर क्लिक कर सकते हैं और यू ऑल्सो हैव अ शॉर्ट आइकन ऑन द मेन्यू बार। सी, दिस इज द स्टैंडर्ड टूल बार, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं दिस वन इज द इंसर्ट इमेज आइकन। तो आप डायरेक्टली यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, आप इंसर्ट में जाकर इमेज पर क्लिक भी कर सकते हैं, प्लस मीडिया में जाकर आप फ्रॉम गैलरी। ये 3 ऑप्शंस आपके पास होते हैं टू इंसर्ट द इमेज, हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल, आई हैव क्लिक्ड ऑन इंसर्ट इमेज, तो ये देखिए मेरा एक फोल्डर ओपन हो गया जो मेरे सिस्टम में पहले से सेव है, जिसमें कुछ इमेजेस है एज यू कैन सी। सो लेट्स चूज दिस पिक्चर एंड ओपन। तो जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, दिस पिक्चर विल गेट इंसर्टेड इन योर स्लाइड। आपकी स्लाइड में आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ पोल्यूशन और उसके नीचे उसकी इमेज को हमने इंसर्ट कर दिया है। फाइन, अब आप इस इमेज के साथ 3 तरीके के ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यू कैन मूव इट, रोटेट इट, रीसाइज इट। यस, वी हैव 3 ऑप्शन टू डू विद द इमेज, रीसाइज, रोटेट एंड मूव। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू मेक दिस इमेज लाइक मच स्मॉलर देन द ओरिजिनल वन। सो सी, दिस इज द रीसाइज। आप इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं, आप इसे चेंज कर सकते हैं दिस वे। फाइन, मूव, आप अगर इस पे क्लिक करेंगे इस स्लाइड पर एंड इफ यू क्लिक ऑन दिस इमेज, और आप जब आप इसकी बॉर्डर लाइन पे क्लिक करते देख रहे हैं, आपका 4 डायमेंशनल एरो में कन्वर्ट होता है। अगर आप सिंपल एक किसी भी सिलेक्शन हैंडल पे आप क्लिक करते हैं, ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ना चारों तरफ इमेज के, दीज आर नोन एज द सिलेक्शन हैंडल्स। अगर हम इस पे अपना एरो रखते हैं, नॉर्मली जब हम अपना एरो को मूव ऑन करते हैं अपनी स्लाइड पे या डॉक्यूमेंट पे, तो इट्स अ काइंड ऑफ एरो। अगर आप किसी सिलेक्शन हैंडल पे से रखते हैं तो इट्स कन्वर्टेड टू बाई डायरेक्शनल, एंड अगर आप किसी बॉर्डर लाइन पे रखते हैं तो इट कन्वर्टेड टू 4 डायरेक्शनल। सो जब भी हमें मूव करना है, वेन वी वॉन्ट टू मूव आर इमेज, हमें हमेशा ये 4 डायरेक्शनल एरो चाहिए। सो Once I got this 4 directional arrow, just hold the mouse and just move it like this. Drag it, whatever position you want, जहां आपको इस इमेज को प्लेस करना है वहां पर आप उसको लेकर रिलीज कर दीजिए अपने माउस का बटन। सो दिस वे यू कैन मूव द इमेज। फाइन, नाउ द नेक्स्ट वन इज रोटेट। रोटेट करने का जो ऑप्शन आपके पास होता है, रोटेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस इमेज पे 2 बार क्लिक करिए। ये देखिए, मैंने बाहर कहीं क्लिक करते हैं, दोबारा से एक बार देखते हैं।
हमने इस इमेज पर एक बार क्लिक किया सो आपके सिलेक्शन हैंडल्स जो हैं दे गेट अपीयर्ड. उसके बाद एक बार और क्लिक किया तो दीज सिलेक्शन हैंडल्स गेट कन्वर्टेड इनटू रेड कलर सर्कल. इफ यू कैन सी दिस वन दिस वन दिस वन फाइन. अब अगर इफ यू पॉइंट आउट योर माउस कर्सर ओवर दी सिलेक्शन हैंडल, ठीक है, अगर आप इस पे रखते हैं या इस पे आप करते हैं इसको, तो ये आपका रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा. ये देखिए अ हाफ सर्कल शेप, तो दिस इज द रोटेशन. तो आप जैसा चाहें उस शेप में इस इमेज को रोटेट कर सकते हैं. फाइन, लेट्स अनडू इट. सो ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ गया. नेक्स्ट, फॉरवर्ड इट टू नेक्स्ट स्लाइड. अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन. अगेन सबसे पहले हमने इस आइकन पे क्लिक किया था तो इंसर्ट अ इमेज इन द प्रीवियस स्लाइड. नाउ लेट्स चूज इंसर्ट मीडिया. अगर आप गैलरी चूज करते हैं तो गैलरी में यू गेट द डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स जो ऑलरेडी इनबिल्ट होती हैं आपके इम्प्रेस में. फॉर एग्जाम्पल गैलरी पे अगर हम क्लिक करते हैं, सी दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स. आप इसमें से कोई भी शेप चूज कर सकते हैं एंड यू कैन इंसर्ट दैट लाइक दिस. See this. This is the way to insert a shape. आप insert पे जाकर shapes भी कर सकते हैं. तो आप इस way में इसको insert कर सकते हैं. बाकी सारे options आप move कर सकते हैं, resize कर सकते हैं, rotate कर सकते हैं, whatever you want. Okay? See this. अगर मैं इस पे एक बार और क्लिक करती हूँ तो अगेन वही उसी way में इसके जो selection handles हैं वो change हो जाएंगे and then you can rotate it. जैसा आप चाहते हैं आप उस शेप में उसको रोटेट कर सकते हैं. नाउ इंसर्ट इमेज. सो अगेन वी गेट दैट फोल्डर. आप अपने फोल्डर को चूज कर सकते हैं, आप ब्राउज कर सकते हैं, आपने जहां पर अपनी इमेज को सेव किया है वहां से ले सकते हैं. एंड नाउ आई वांट दिस पिक्चर सिलेक्टेड एंड इंसर्टेड. हम जो हमारे प्रीवियस पिक्चर था, जो हमने प्रीवियस एक इमेज लिया था या आप कह सकते हैं शेप लिया था, उसको हम डिलीट कर देते हैं सिलेक्ट करके. सो दिस इज द पिक्चर रिलेटेड टू एयर पॉल्यूशन एज यू कैन रिलेट. तो आप वही सब सेम ऑपरेशन इस पे अप्लाई कर सकते हो. इन दिस वे द सेम मैनर वी हैव इंसर्टेड दिस दिस एंड दिस. तो अभी हमने देखा कि हम कैसे उसे रिमूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं. तो इन दिस वे यू कैन ऐड ऑन एज मैनी पिक्चर्स इन अ सिंगल स्लाइड और इन योर प्रेजेंटेशन एज यू वांट. एंड देन यू कैन मेक इट इन अ मैनर दैट लुक्स इट ब्यूटिफुल इन योर स्लाइड. जैसे कि ये स्लाइड में आपके पास फोर डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्चर्स है. आप इनकी शेप्स को, आप इनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसे ड्रैग करके अगर हम यहाँ रखते हैं, लेट्स नाउ सिलेक्ट इट, मूव इट टू अपर साइड एंड देन दिस वन टू दिस साइड. सो आई हैव चेंज द पोजिशंस ऑफ दीज पिक्चर्स. अगर आप किसी पिक्चर पे डबल क्लिक कर देते हैं तो यू गेट द कर्सर ऑन दैट पिक्चर एंड यू कैन राइट एनीथिंग ओवर देयर. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल If I click on it, देखिए this is the blank cursor. मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ picture one. अब इसका शायद color combination से आपको नजर नहीं आता, just select it. Let's say कि color is white. So see, now you can see picture one. So in this way, you can resize your images, you can insert your image, you can insert any shape from the gallery. Gallery आपको यहाँ sidebar में भी मिल जाएगा. तो आप यहाँ से कोई भी शेप पिक कर सकते हैं. आप कोई भी इमेज, मान लीजिए आपको कोई रियल काइंड ऑफ इमेज चाहिए, आप उसे क्लिक करिए, अपने सिस्टम में स्टोर करिए एंड देन इंसर्ट इन योर स्लाइड एंड मेक योर स्लाइड इन द सेम वे एज यू वांट इट, जैसा कि आप उसे प्रेजेंट करना चाहते हैं. सो दिस वाज अबाउट द इमेजेस. नाउ अब इन इमेजेस को एड करने के बाद अब हमारे पास ये जो स्लाइड्स आ गई हैं, ठीक है, अब हम इसको एक्चुअली में प्रेजेंट कैसे करते हैं, स्लाइड शो कैसे करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास, आप मेन्यू बार में देखिए ऊपर, There is a option slide show. When we click it, यहाँ आपको दो ऑप्शन, वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, बट फॉर नाउ वी विल डिस्कस दीज टू ऑप्शन, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड, स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड. जब भी आप प्रेजेंटेशन करते हैं तो एक आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, कि आप पूरी प्रेजेंटेशन ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं या आप करंट स्लाइड, जहां पर मान लीजिए आपकी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एट दिस मोमेंट वी हैव सिक्स स्लाइड्स और हम चाहते हैं कि थर्ड स्लाइड से या फोर्थ स्लाइड से हो. तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव सिलेक्टेड द थर्ड स्लाइड. तो मैं ये चाहती हूँ कि जब हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें तो थर्ड स्लाइड से हो, ठीक है. तो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. लेट्स सी स्लाइड शो.
first one, the very first option is start from first. Like generally, whenever we present the slide presentation in front of audience, किसी को आप दिखा रहे हैं तो आप अपनी फर्स्ट स्लाइड से ही उसे शो करते हैं. दिट्स द नॉर्मल थिंग, बाय डिफॉल्ट थिंग होती है. द शॉर्टकट की इज F5. अगर आप F5 को अपने की पैड से प्रेस कर देते हैं देन द स्लाइड शो गेट्स स्टार्टेड और आप उसे प्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स क्लिक ऑन इट. वन सेकेंड. सो दिस इज द स्लाइड शो. हम इस पे क्लिक करते जाएंगे तो यू विल गेट द इन द बिगर स्क्रीन. होल स्क्रीन पर आपको नजर आएगा कि हाउ आपकी स्लाइड्स कैसे लिख रही हैं, आपने स्लाइड्स पे क्या एंटर किया है और किस वे में आप उसे प्रेजेंट करें. सो आई एम क्लिकिंग ऑन द विद द हेल्प ऑफ माउस. जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. सी दिस. सो दिस वॉज फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड और ये आपकी लास्ट स्लाइड थी. तो लास्ट स्लाइड के बाद आपका ब्लैंक आता है बिकॉज योर प्रेजेंटेशन हैज एंडेड. नाउ क्लिक टू एग्जिट प्रेजेंटेशन. एक बार आप क्लिक कर देंगे तो आप इससे बाहर आ जाएंगे. वेट, दिस वन. फाइन. सो दिस वाज द वे टू मेक द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्लाइड. नाउ आई हैव चूजन द थर्ड स्लाइड. क्लिक ऑन दिस. स्टार्ट फ्रॉम द करंट स्लाइड. द शॉर्टकट इज फॉर शिफ्ट प्लस F5. आप शिफ्ट प्लस F5 को डायरेक्टली करेंगे तो जिस स्लाइड पे करंटली आप हैं वहीं से आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल क्लिक ऑन इट. नाउ सी दिस. सो दिस इज द प्रेजेंटेशन वे. आपका थर्ड स्लाइड से ही स्टार्ट होगा. 4, 5, 6 एंड एंडिंग. दैट्स इट. ओके. सो दिस वॉज द वे कि आप किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं. सो नाउ यू आर रेडी टू इंसर्ट द इमेजेस एंड टू प्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ एनीवन. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.